युवापा तहत कीतियां गई गिरफ्तारियां उत्ते सुखबीर बादल वालों दी गई अखौती धमकी उत्ते कड़ी प्रतिक्रिया दिंदिया पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह पंजाब दे देश की एकता ते अखंडता की राखी दे लई कानून दे मुताबक सब ढुकवें कदम चुकते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली दल दे प्रधान दीयां धमकियां उन्हां नूं लोकां दी सुरक्षा यकीनी बनाउण दे राह तों हटा नहीं सकदियां। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जेकर सुखबीर सिंह बादल दे दावे दे मुताबक UAPA दे तहत पंजाब पुलिस वल्लों गलत ढंग दे नाल गिरफ्तार करन जां मामला दर्ज करन दे संबंधी कोई विशेष केस उन्हां दे ध्यान विच है तां अकाली दल दे प्रधान बेलोड़ी बयानबाजी दी थां उन्हां नूं इस दी सूची भेज सकदे ने। उन्हें साफ किया कि किसी उत्ते भी झूठा मामला दर्ज करन दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। अकाली दल दे प्रधान नूं पंजाबी नौजवानां खास करके सिखां नूं पंजाब पुलिस दे खिलाफ भड़का के वक्वादी ताकतां दा हथ ठोका बनन तों गुरेज करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अगे कहा कि UAPA काफ़ी समा पहला तो ही वजूद विच है अते सुखबीर सिंह बादल नूं इह ध्यान विच रखना चाहिए कि अकाली भाजपा सरकार वेले इस एक्ट के तहत पंजाब विच 60 तो वध मामले दर्ज किए गए सन जिन्हां विचों 2010 ते 2012 के मामले भी शामिल ने। इन्हां मामलों विच गिरफ़्तार किए 225 व्यक्तियों के विचों 120 नूं बरी कर दिता गया जो इस गल का साफ संकेत है कि अकाली हुकूमत दौरान ही इस एक्ट की अन्नेवाद दुरवरतों की गई सी। पंजाब पुलिस खास करके DGP जिन्हां दी धर्म निरपक्षता ते अपने फर्ज प्रति समर्पण उत्ते उंगली नहीं चुकी जा सकती उन्हां दे खिलाफ सियासत तो प्रेरित गुमराहकुन प्रचार दे राहीं पंजाब दे हितां नाल समझौता करन दे लई अकाली दल दे प्रधान नूं करड़े हत्थी लैंदिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बहुत ही मंदभागी गल है कि एक अजिही पार्टी जो कि सिक्खी दी अलंबरदार होण दा दावा करदी है दे प्रधान होण दे बावजूद पंजाब पुलिस वल्लों वक्वादी अते दहशतगर्दी तत्तां दे खिलाफ विढ़ी गई मुहिम की विरोधता करके सिखां दे विच फिरकू वंडियां पाउण दा कोझा यतन कर रहे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगे कहा कि जदों दुनिया भर के मुल्क सिक्स फॉर जस्टिस के खालिस्तानी पक्षी एजेंडे रद्द कर रहे हैं तो उस वेले सुखबीर वालों अपने सूबे की पुलिस से निशाना साध के असल मान्या च इस दी हमायत की जा रही है। उन्हें कहा कि सूबे की पुलिस ने वक्वादियों दी धमकियों का सामना करदिया पंजाब की अमन शांति ते स्थिरता यकीनी बनाने के लिए मार्च 2017 तो 30 अतवादी गिरोहों का पर्दाफाश किया 170 अतवादी गिरफ्तार किए। सुखबीर बादल वालों पंजाब के काले दौर का जिक्र करते मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे को काले दौर के जान तो रोकने के लिए उन्होंने सरकार ते सूबे की पुलिस सारे अतवादियों वक्वादी गतिविधियों से शिकंजा कस रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इतों तक कि उन्होंने सरकार ने नौजवानों गर्म ख्याली विचार तो लांभे करने वास्ते सोशल मीडिया के राही व्यापक मुहिम चलाई ताकि पंजाब नौजवानों गर्म ख्याली विचारधारा नाल जोड़न अते उन्हां नूं अतवादी जां हिंसक गतिविधियां लई उकसाउण वाले पाकिस्तान ते SFJ दे हत्थ ठोकियां दे मनसूबियां नूं पटड़ी तो लाया जा सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इन्हां नौजवानों ते दोष लाउण जां गिरफ़्तार करन दी बजाए असल विच इन्हां नूं काउंसलिंग करके समझाया गया अते समाजिक मुखधारा विच वापस लिआंदा गया। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।